evening, namaskar. Thank you so much for joining us today. Throughout the publicity and the promotions of this movie, Sarbjeet, हमने कहा था कि इस फिल्म के लिए खुशी इजहार करना या कहना कि ये फिल्म करते समय हमें बड़ी खुशी हुई या मज़ा आया, ये लफ्ज़ इन लफ्ज़ों को इस फिल्म से और इस फिल्म के अनुभव से जोड़ना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इमोशनल रहा है और हकीकत की कहानी है। तो मैंने ये बार बार कहा है और आज फिर दोहराऊंगी कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स हमारे लिए एक जिम्मेदारी थी कि जब हम ये फिल्म बनाएं तो परिवार, दलबीर जी, सुप्रीत जी, बच्चे स्वपन और पूनम को लगे कि हमने उनके साथ हम लोग फेयर रहे हैं, उन्हें ठीक लगा कि उनकी कहानी, अगर उनके सरबजीत की कहानी अगर दुनिया के सामने हमने दिखाई है, ये उनका हकीकत बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए और वो उसके साथ कंफर्टेबल रहे। तो उनका रिएक्शन देख के सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्हें खुशी हुई इस फिल्म को देखकर कि लगा कि उनकी कहानी जो है सही दिखाई गई। और आज ज़रूर एक कलाकार होने के नाते इस फिल्म के टीम का एक बहुत ही कमिटेड टीम मेंबर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि और हम दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऑडियंस ने वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को आज हमें मौका दिया है कि हम आज आके आप के साथ ये इंटरेक्शन कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिल पाएँ। सबको दिल से धन्यवाद दें कि फिल्म बहुत लोगों तक पहुंच रही है और भी ऑडियंस बढ़ती जा रही है और आप लोगों का एप्रिसिएशन इस फिल्म के लिए हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि बहुत अच्छा काम किया और अगले दिन फिर से कहें और फिर से कहें और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी लोगों के जो उन्हें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायना रखता है। और अभी बाकी जो मुझसे कहें वो मैं जानूं मैं परिवार के सदस्य हूँ, ये सब अभी इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। शादी से पहले चिट्ठियाँ आती थी, वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, बट टुडे आई एम फैमिली। आई एम नॉट गेटिंग इन टू असेसिंग वेदर इट्स बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अच्छा आपका सो देयर आर लॉट्स ऑफ वंडरफुल स्टोरीज बीइंग टोल्ड एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, ये अच्छी बात है कि ऐसी कहानियाँ ऑडियंस के साथ शेयर किया जा रहा है और ऑडियंस सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस ऐसे कहानियों को, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट देते रहेंगे तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स के का हौसला बढ़ेगा कि वो ऐसे और फिल्में बनाएं, ऐसे और कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करें। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट और बस आपका आशीर्वाद रहे कि द इंडस्ट्री कंटिन्यूज सपोर्टिंग वंडरफुल स्टोरीज एंड गुड सिनेमा लाइक दिस। नहीं, अगर देखिए मैंने तो कभी फिल्मों को ऐसे नहीं किया है इस नज़रिए से, लेकिन इस हफ्ते के दौरान बाई इंटरेक्शंस जब मैं सुनती आ रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द टीम एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई हैव नेवर असेस्ड ऑल दिस, तो पहली बार प्रॉब्लम गेटिंग अ बिट ऑफ एन इनसाइट। और जहाँ तक प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि दे इवन उमंग एंड संदीप को सेइंग दैट दे एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू ट्रेंड लाइक दिस, कि इट विल स्टार्ट बिल्डिंग विद वर्ड ऑफ माउथ, दिस इज़ अ सेंसिटिव काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड इट विल ग्रो विद द ऑडियंस सपोर्ट
and they have looked at the trend of other films as well, who have grown in this manner. Baki, of course, the film is seeking tax-free opportunities and hoping that it receives that kind of support as well, so that then it becomes easier to access a wider audience for people to come in, because this is the kind of film that should reach, I think, every nook and corner of our country. And क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, ये कहानी के मायने बहुत हैं अलग अलग लेवल पर. और ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स यही आ रहा है. एक होता है कि हम फिल्म के सदस्य हैं तो हमें हमारा ये, हम जुड़े हैं तो हम पहचानते हैं फिल्म का जो पोटेंशियल है या इंटेंशन. लेकिन आज ये खुशी हो रही है कि जो ऑडियंस थिएटर के अंदर जाके, जिन्होंने फिल्म देखा है, उनका भी यही कहना है और भी प्रशंसा है, और भी अप्रिसिएशन है इस इमोशनल जर्नी के लिए. सबको लग रहा है कि वो बहुत कुछ ना कुछ, एक एक तरह की जो अवेकनिंग है, कुछ ना कुछ जागृत ज़रूर हुआ है एज अ इंडिविजुअल ये फिल्म देखकर. भले वो पेट्रियोटिक हो, भले वो पारिवारिक हो, इंसानियत के नाते हो, पीपल आर थिंकिंग, दे आर फीलिंग, विच इज़ वंडरफुल इफ सिनेमा कैन ऑल्सो यूज दैट इम्पैक्ट टू इवोक दैट. एंटरटेनमेंट इज़ वन थिंक टू गेट इन टच विद योर फीलिंग्स, to evoke a response. Cinema has the potential for all of this. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और फिल्म पिकअप भी कर रही है और मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिसिएशन मिला. मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा उमंग कुमार का, जिसने मुझे कास्ट किया और इतना बढ़िया रोल दिया, और उत्कर्षणी का, जिसने ये फिल्म लिखी, और producers, everybody, I'm very thankful and I'm very glad that everybody is enjoying and everybody is coming back being a better human being, which is the best part of the film. Yeah, Bachchan saab ne mujhe ek note bheja, I was very thrilled. Bachchan saab ke hum to bachpan se photo picture dekhte hain, us time se jab hame pata hi nahi tha acting hoti kya hai, to Bachchan saab hi sab kuch the, to unka jab note aaya, I'm very very happy to receive it. And जी देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने मेहनत की वो पर्दे पे आई और वो लोगों को बढ़िया लगी. आदमी हमेशा कोशिश ही करता रहता है और ये कोशिश सफल होगी. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड दैट्स ऑल आई कैन से. इट वाज अ सुपर्ब कैरेक्टर. सरबजीत की आत्मा को शांति मिले. और मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही रहा है कि लोगों ने ये बोला है कि हमें सच्ची में सरबजीत दिखाई दिया, जो कि फैमिली में नहीं बोल, फैमिली ने भी बोला था, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. देखिए मेरे लिए सफलता ये है कि जो मैंने पूरे तहे दिल से जो कोशिश की थी, वो सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है. और ये फिल्म बनानी ज़रूरी थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो भी हश्र है, फिल्म पिकअप कर गई है, फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है. फॉर द नेचर ऑफ द फिल्म दिस इज़ एंड फॉर द बजट इट वॉज मेड इन, बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. ना मेरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ना मेरा प्रोड्यूसिंग का डिपार्टमेंट है, ना हाइप का डिपार्टमेंट है, ना बॉक्स ऑफिस का डिपार्टमेंट है. मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ एक्टिंग का है. भैया मैंने वो कर दिया, अभी आगे राम जाने, आप लोग जानो. थैंक यू वेरी मच. पूरे इंडिया में टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तानी कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसको सब हिंदुस्तानियों तक पहुँचना चाहिए. और टैक्स फ्री होने से एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है लोगों को जाके देखने का. Oh, that's a really silly question for this. I don't want to behave like I behaved in the premiere. It has always been great with Salman Khan. We are very good friends, and it somewhere translates on screen. And I'm very happy to just be in a movie with Salman Khan. I loved Kick. I love being a part of Kick, and I'm a part of Sultan. Though my part is a lot smaller than Kick, but hey, I'm there, and we got to hang out, and we did some good work. I think it's one of Salman's better. And best, probably the best performance. That time will tell, but it's one of his better performances. I think he's really doing well.